सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था फर्स्ट समुच्चय, जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर ली। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो समुच्चयों पर संक्रियाएं में पहला ही टॉपिक है आपका समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। समुच्चयों का संघ या सम्मिलन का मतलब क्या होता है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यदि आपके पास में एक समुच्चय ए है, जिसमें मान लीजिए अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, और समुच्चय बी है जिसमें अवयव आपके पास में 4, 5, 6, 7, 8। आगे बात समझ, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं एक समुच्चय सी इस प्रकार से बनूं कि उसमें ए के भी अवयव हो और बी के भी अवयव हो, तो देखिए किस प्रकार बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ध्यान से देखिए, समुच्चय सी देखिए, समुच्चय सी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जो कि क्या है, समुच्चय ए के अवयव है, और 4, 5, 6, 7, 8 जो कि क्या है, समुच्चय बी के अवयव है। आगे बात समझ, तो समुच्चय ए और बी इन दोनों का जो संघ है या सम्मिलन है, इन दोनों का संघ या सम्मिलन एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के और बी के सारे अवयव सम्मिलित रूप से लिखेंगे। आगे बात में, अब देखिए लिखने का तरीका इस प्रकार है कि इनमें जो अवयव है, जैसे इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, तो ये जो 4 और 5 है इनको हम वापस डबल बार नहीं लिखेंगे, केवल सिंगल बार लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि समुच्चय ए और बी का जो सम्मिलन समुच्चय है या फिर संघ समुच्चय है, वो एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए और बी के सभी अवयवों को सम्मिलित रूप से लिखा जाएगा। इसमें आप इस प्रकार नहीं लिखोगे कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये तो समुच्चय ए का अवयव है, फिर 4, 5, 6, 7, 8 ये समुच्चय बी के अवयव है, इस प्रकार से नहीं लिखे। समुच्चय की परिभाषा में हमने क्या लिखा था, अवयवों को बिना पुनरावृत्ति के लिखना है। तो इसमें देखिए 4 और 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो पुनरावृत्ति हो रही है, तो इनको आपको नहीं लिखना है। सीधा कहां से, यहीं तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ए और बी का जो सम्मिलन समुच्चय या फिर संघ समुच्चय ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के और बी के सभी अवयवों को सम्मिलित करके लिखा जाता है। आगे बात समझ, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। परिभाषा, तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का संघ समुच्चय, संघ या फिर क्या सम्मिलन, संघ समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए तथा बी के, जिसमें ए तथा बी के सभी अवयवों को सम्मिलित रूप से लेकर बनाया जाता है। यानी कि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का संघ समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए तथा बी, यानी कि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के सभी अवयवों को सम्मिलित रूप से लेकर बनाया जाता है। अब देखिए संघ समुच्चय को व्यक्त कैसे करते हैं, तथा इसे ए यूनियन बी, ये है ए, जैसे अगर कहें ना ए और बी का संघ समुच्चय, तो कैसे क्या लिखोगे आप, ए यूनियन बी, क्या लिखोगे, ए यूनियन बी। आगे बात, ये जो चिन्ह है यू जो हमने बनाया, ये किसका प्रतीक है, यूनियन का, यूनियन यानी कि संघ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं संघ को, यूनियन। आगे बात समझ, तो ए यूनियन बी यानी कि ए संघ बी, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ए संघ बी, यानी कि ए और बी का क्या, यूनियन यानी कि संघ समुच्चय। आगे बात समझ, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि ए आपके पास में है 1, 2, 3, 4, 5, यही एग्जांपल, बी आपके पास में है 4, 5, 6, 7, 8, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि
ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के और बी के सारे अवयवों को सम्मिलित रूप से लिखेंगे। आगे बात सुने, अब देखिए इसको तो ये तो हमने क्या लिख दिया, समुच्चय यानी कि रोस्टर रूप में लिख दिया। इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय होगा एक्स। अब ये एक्स क्या है, एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग करेगा। जैसे देखिए टू, टू किस में से बिलोंग कर रहा है, ए में से। थ्री, थ्री किस में से बिलोंग कर रहा है, ए में से। जैसे कह दिया सेवन, सेवन किस में से बिलोंग कर रहा है, बी में से। एट, एट किस में से बिलोंग कर रहा है, बी में से। छः किस में से बिलोंग कर रहा है, बी में से। चार और पाँच जो कि ए में भी है और बी में भी है। तो ए यूनियन बी क्या होगा एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग करेगा ए से या एक्स किस में से बिलोंग करेगा बी से। यानी कि ए यूनियन बी में जो अवयव होंगे वो या तो समुच्चय ए के है या फिर समुच्चय बी के है। तो ये होता है दो समुच्चयों का संघ समुच्चय। संघ समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी के सभी अवयवों को सम्मिलित रूप से लेकर इसको बनाते हैं। इसको प्रतीक किया इसको ए यूनियन बी, यानी ये वाला चिन्ह, इस ये चिन्ह किसको व्यक्त कर रहा है कि ए और बी का संघ समुच्चय। आगे बात सुन, तो इसको इस प्रकार से लिखना है, ये चीज आपको याद रखनी है, ए यूनियन बी यानी कि ए संघ। इसको पढ़ते क्या है, ए संघ बी, क्या पढ़ते हैं इसको, ए संघ बी। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे आपके पास में ये एग्जांपल ले लिया, जैसे ए ई आई और समुच्चय बी आपके आगे आप बी सी डी मान लीजिए, ये आगे बात बी सी डी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी जिसमें ए के सारे अवयव होने चाहिए और बी के भी होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा ए ई आई बी सी डी। आगे बात समझ में, तो ये समुच्चय क्या हो गया, ए और बी का यूनियन हो गया, ए और बी का क्या हो गया यूनियन, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें ए के सारे अवयव है और बी के भी सारे अवयव है। आगे बात समझ, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लेके आप इसको समझ सकते हो, क्लियर है। तो ये होता है दो समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। चलिए तो अब ये जो संक्रिया है, कौन सी संघ यानी यूनियन संक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं। ए और बी के बीच में संक्रिया कौन सी लगे आपने, यूनियन यानी संघ। तो इसके हम गुणधर्म देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, गुणधर्म। देखिए गुणधर्म किसकी, संघ संक्रिया की। आगे ये हम क्या पढ़ रहे हैं, समुच्चय पर संक्रिया, तो संघ संक्रिया के गुणधर्म देख लीजिए। पहला गुणधर्म क्या है कि ए संक्रिया आ फाई, यानी ए संक्रिया, संक्रिया कौन सी, यूनियन, ए यूनियन फाई। फाई क्या है, रिक्त समुच्चय, यानी कोई समुच्चय ए है उसका रिक्त समुच्चय के साथ में यूनियन कराओगे तो वापस क्या आएगा, या फिर ये जो समुच्चय फाई समुच्चय इसका रिक्त समुच्चय के साथ में यूनियन कराओगे तो क्या आएगा, वापिस समुच्चय ए ही आएगा। क्या आएगा, वापिस समुच्चय ए ही आएगा। आगे बात सुन, अब देखिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं, तत्समक नियम। और यहां पे ये जो फाई रिक्त समुच्चय संक्रिया यूनियन का तत्समक अवयव है। आगे बात, अब देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं एक समुच्चय ए जिसमें अवयव एक दो तीन चार पांच, और खाली फाई का मतलब क्या होता है, खाली समुच्चय, खाली समुच्चय मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं, खाली समुच्चय यानी कि उसमें एक भी अवयव नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूं कि ए और इस खाली समुच्चय का मुझे यूनियन कराना है, ए और खाली समुच्चय का यूनियन। अब यूनियन की परिभाषा क्या है, यानी दो समुच्चयों का यूनियन, यानी दो समुच्चयों का संघ समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए के और बी दोनों के क्या आना चाहिए, सारे अवयव। तो ए यूनियन फाई, तो ए और खाली समुच्चय का यूनियन एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए के सारे अवयव होने चाहिए और इस खाली समुच्चय के भी क्या होने चाहिए, सारे अवयव होने चाहिए। तो क्या आएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब खाली समुच्चय में तो कोई अवयव होगा ही नहीं, कोई अवयव नहीं होगा तो इसको क्या लिखोगे आप, कोई अवयव नहीं है तो उसको क्या लिखोगे, यानी खाली, यानी वो इतना ही रहेगा। अब ये चीज़ वापस क्या है, ये वाला ही समुच्चय है। तो यहाँ से ए यूनियन खाली समुच्चय वापस क्या आएगा, समुच्चय ए ही आएगा। यानी कि किसी समुच्चय का आप खाली समुच्चय, किसी समुच्चय का आप खाली समुच्चय के साथ में यूनियन कराओगे तो वापस वही समुच्चय आएगा। यानी कि किस समुच्चय का आपने फाई के साथ में यूनियन करवाया, वही समुच्चय वापस आएगा। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो,
ये समुच्चय ए है, ये खाली समुच्चय है। तो इन दोनों का यूनियन यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें ए के सारे अवयव होने चाहिए और इसके इसमें तो कोई अवयव भी नहीं है, तो वापस इसके इसमें कोई अवयव नहीं है, तो इस यूनियन में आप क्या लिखोगे? कुछ भी नहीं लिखोगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अब देखिए ए के सारे अवयव है और खाली समुच्चय में तो कोई अवयव ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? एक रिक्त समुच्चय तो इसमें रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब ए और खाली समुच्चय इन दोनों का जब आप यूनियन कराओगे तो वापस क्या आएगा? समुच्चय ए ही आएगा। आगे बात में इसको देखिए, इस नियम को बोलते क्या है? तत्समक नियम बोलते हैं। तत्समक का मतलब क्या होता है कि कोई समुच्चय है आपके पास में ए, उसका मैं किसके साथ में यूनियन करूँ कि वापस ए ही आ जाए। तो कोई भी समुच्चय आप ले लीजिए, ए रिक्त समुच्चय, कोई भी अरिक्त समुच्चय, देखिए ए क्या है? अरिक्त समुच्चय, यानी अरिक्त समुच्चय यानी कि उसमें कुछ ना कुछ अवयव होने चाहिए। आगे बात समझ में, तो ए एक अरिक्त समुच्चय, उसका मैं किसके साथ में यूनियन करूँ कि वापस यही समुच्चय ए आ जाए? तो किसके साथ में करवाएंगे? खाली समुच्चय के साथ में, यानी कि फाई। तो ए यूनियन फाई वापस क्या आएगा? वापस ए ही आएगा। तो ये तत्समक नियम कहलाता है। और ये जो यूनियन संक्रिया है, यूनियन संक्रिया का जो तत्समक अवयव है वो कौन सा होता है? खाली समुच्चय। खाली समुच्चय संक्रिया यूनियन, यानी कि खाली समुच्चय यूनियन संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो ये नियम आपको समझ में आया होगा कि एक समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ में यूनियन करवाते तो वापस वही समुच्चय आता है। आगे बात समझ में। अब देखिए इसका दूसरा गुणधर्म देखिए, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। इस नियम को क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। कहने का मतलब यह है कि दो समुच्चयों का संघ यानी कि वो क्रम विनिमय होता है। क्या होता है? क्रम विनिमय, यानी इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, यानी ये क्रम विनिमय होता है कि ए का बी के साथ में कराओ चाहे बी का ए के साथ में कराओगे, रिजल्ट वापस क्या आएगा? सेम ही आएगा। जैसे ए आपके पास में है 1, 2, 3 और बी आपके पास में है 3, 4, 5। तो ए यूनियन बी क्या होगा? जिसमें ए के भी अवयव होने चाहिए, बी के भी होने चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5। आगे अगर मैं आपसे कहूँ बी यूनियन ए क्या होगा? बी यूनियन ए जिसमें बी के भी अवयव होने चाहिए, ए के भी होने चाहिए, यानी कि 3, 4, 5, 1, 2। आगे बात, अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। मैंने कहा था समुच्चय में आप अवयवों को, समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उनका आप क्रम चेंज कर सकते हो, यानी कि उनमें उनका क्रम आप बदल सकते हो, यानी कि ये चीज़ इसको आप ये भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। तो अवयवों का आप इधर उधर कहीं पे भी लिख सकते हो। आगे बात सुने, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों ही क्या है? सेम ही चीज़ है। तो ये होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी कि ए का बी के साथ में यूनियन कराओ चाहे बी का ए के साथ में यूनियन कराओ, दोनों ही चीज़ें क्या है? सेम है। इस नियम को क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नियम। क्लियर है ये चीज? चलिए तो अगला गुणधर्म देखते हैं, तीसरा, ए यूनियन ए यानी कि एक समुच्चय का स्वयं के साथ में यूनियन करवाते हैं तो क्या आता है? वापस समुच्चय ए ही आता है। इसको कौन सा नियम बोलते हैं? वर्गसम नियम। अब देखिए जैसे समुच्चय ए है आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 और यही समुच्चय लेना है वापस 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे ये समुच्चय ए है, ये भी ए ही है, तो ए का ए के साथ में यूनियन, ए यूनियन ए क्या आएगा? जिसमें इस समुच्चय के अवयव होने चाहिए, इस समुच्चय के अवयव होने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 इस समुच्चय के सारे अवयव है, 1, 2, 3, 4, 5 इस समुच्चय के भी सारे अवयव है। यानी कहने का मतलब ए का ए के साथ में यूनियन कराएंगे तो ये वापस कौन सा समुच्चय? ये समुच्चय क्या है? ए ही तो है। तो ए का ए के साथ में यूनियन करवाएंगे तो वापस क्या आएगा? समुच्चय ए ही आएगा। इस नियम को क्या बोलते हैं? वर्गसम नियम बोलते हैं। आगे बात समझ में। अगला देख लीजिए चौथा नियम कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इस नियम को क्या बोलते हैं? सहचर्य नियम। यानी कि अगर आपके पास में तीन समुच्चय है, अगर आपके पास में तीन समुच्चय है ए बी और सी, तो बी और सी का पहले यूनियन कराओ
उसके बाद में ए के साथ में यूनियन कराओ, बी और सी का पहले यूनियन कराओ और उसका ए के साथ में यूनियन कराओ, तो ये चीज़। और पहले ए और बी का यूनियन कराओ फिर उसके का सी के साथ में यूनियन कराओ, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, बराबर है। और इस नियम को बोलते क्या है, साचर्य नियम। तो इसको सिंपली एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास में समुच्चय ए, एक दो तीन, समुच्चय बी तीन चार पाँच, और समुच्चय सी छः सात आठ। आगे बात सुनो, तो पहले ये वाली साइड ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो बी और सी का यूनियन, तो ये रहा बी और ये रहा सी, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी ऐसा समुच्चय जिसमें बी के सारे हुए होने चाहिए, सी के भी होने चाहिए, तो क्या आएंगे, तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आ गया आपके पास में बी यूनियन सी, क्लियर है। अब इस समुच्चय का ए के साथ में, यानी कि ए का यूनियन करवाना है किसके साथ में, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये रहा समुच्चय और ए समुच्चय ये रहा, तो ए और बी यूनियन सी इसका यूनियन करवाना है, बी यूनियन सी वापस क्या आएगा, एक समुच्चय आएगा, दो समुच्चयों का यूनियन वापस एक समुच्चय आता है, तो ये एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है, तो ए का इस समुच्चय के साथ में यूनियन करवाना है, ये देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आएगा क्या रिजल्ट, ए के सारे अवयव होने चाहिए और बी यूनियन सी के भी सारे अवयव होने चाहिए, तो क्या आएगा रिजल्ट, एक दो तीन, और इधर क्या है तीन चार, तो तीन को रिपीट तो करेंगे नहीं, तो वापस चार पाँच छः सात आठ, ये चीज़ क्या आई आपके पास में, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये तो आपके पास में है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ आ गई। अब राइट हैंड साइड देखिए, तो पहले क्या करें, ए और बी का यूनियन करते हैं, तो ये रहा ए ये रहा बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपके पास में, जिसमें ए के भी होने चाहिए और बी के भी होने चाहिए, वन टू थ्री और फोर फाइव। अब इस ए यूनियन बी का किसके साथ में करवाना है, सी के साथ में करवाना है, देखिए ए यूनियन बी का किसके साथ में यूनियन करवाना है, सी के साथ में, तो सी क्या है आपके पास में, छः सात आठ। तो अब ए यूनियन बी ये भी एक समुच्चय है और सी भी एक समुच्चय है, इन दोनों समुच्चयों का आपको यूनियन करवाना है, तो ये चीज़ आएगी, यानी कि ए यूनियन बी इसका यूनियन करवाना सी के साथ में, तो क्या आएगा देखिए, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, देख लीजिए ये क्या है, ये वाला समुच्चय क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों चीज़ें देखिए क्या आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस नियम को क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साहचर्य नियम। ये सारे के सारे गुणधर्म आपको याद रखने हैं, सारे के सारे गुणधर्म आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। और लास्ट गुणधर्म है इसका कि यूनिवर्सल सेट यूनियन ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो किसी यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का समुच्चय ए के साथ में यूनियन कराते हैं, यानी किसी समुच्चय ए का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में यूनियन करवाएंगे, तो वापस क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय आएगा, क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। आगे बात, अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ ये है यूनियन, ये यूनियन है यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब आप समुच्चय लीजिए, जैसे ए है, ए क्या है, वन टू थ्री, अब आप देख सकते हैं ये समुच्चय ए है, तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा है, ये रहा यूनिवर्सल सेट, तो समुच्चय ए का यूनिवर्सल सेट के साथ में आपको क्या करवाना है, यूनियन करवाना है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। आगे बात सुनो, तो क्या आएगा रिजल्ट, यानी इसके भी सारे अवयव होने चाहिए, इसके भी यूनियन की, तो मतलब ही क्या है, दो समुच्चयों का यूनियन का मतलब क्या है, जिसमें दोनों ही समुच्चय के अवयव होने चाहिए, तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, देख लीजिए इस समुच्चय के सारे अवयव है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, बिल्कुल है, समुच्चय ए के अवयव है इसमें, एक दो तीन, समुच्चय ए के भी है। आगे बात सुने, तो समुच्चय ए का यूनिवर्सल सेट के साथ में आपने जब यूनियन करवाया तो रिजल्ट क्या आया, ये वाला आया। अब ये चीज़ है क्या, वापस यूनिवर्सल सेट ही तो आया, तो ये चीज़ क्या है, वापस यूनिवर्सल सेट। तो किसी भी समुच्चय का,
किसी भी समुच्चय का आप यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में जब यूनियन करवाते हो तो वापस रिजल्ट क्या आता है, सार्वत्रिक समुच्चय आता है। तो ये पांच गुणधर्म है आपको याद रखने हैं। किसी भी समुच्चय का खाली समुच्चय के साथ में यूनियन करवाओगे तो क्या आएगा, वापस वही समुच्चय आएगा ए। और दो समुच्चयों का यूनियन ए का बी के साथ में कराओ चाहे बी का ए के साथ में कराओगे, दोनों चीजें क्या है, सेम है, कर्म विनिमय नियम और ये तत्समक नियम। ए का ए के साथ में यूनियन कराओगे तो वापस ए ही आएगा, ये वर्गसम नियम। तीन समुच्चय है तो किन्हीं दो का यूनियन करवा के फिर तीसरे में आप उसका यूनियन कराओगे या फिर पहले दो का यूनियन करवा के तीसरे के साथ में यूनियन कराओगे तो ये दोनों चीजें क्या आएगी, सेम आएगी। और पांचवा गुणधर्म कि ए का यूनिवर्सल सेट के साथ में यानी सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में जब आप यूनियन कराओगे तो वापस सार्वत्रिक समुच्चय ही आएगा। तो ये पांच नियम आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक कि समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको प्रतीक क्या है उनका व्यक्त करने का, परिभाषा हमने सारी पढ़ ली और इसके गुणधर्म क्लियर। आगे बात समझ में, चलिए तो अब देखिए कुछ चीजें और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम आपको पता है नेचुरल नंबर, यानी कि ये क्या है, नेचुरल नंबर, एक दो तीन चार और ऐसे चलता रहेगा। और होल नंबर जीरो वन टू थ्री और ये इसी प्रकार। पूर्णांक नंबर माइनस तीन माइनस दो माइनस वन जीरो वन टू थ्री। परिमेय संख्या x, जहाँ x बराबर क्या है, p बटा q, q नॉट इज इक्वल टू जीरो और p और q बिलोंग करने चाहिए z से। आगे बात सुन। और r, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट। आगे बात सुन। अब देखिए संघ की जब बात करते हैं यानी कि ये देखिए यूनिवर्सल, ये पांचवा गुणधर्म देखिए। अब आपको पता है कि ये जो समुच्चय r है, समुच्चय R यानी कि जिसमें सभी की सभी वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्राकृत संख्याएं भी R में, प्राकृत संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती है, होल नंबर भी वास्तविक संख्याएं होती है, पूर्णांक भी वास्तविक होती है, परिमेय भी वास्तविक होती है, अपरिमेय भी क्या होती है, वास्तविक होती है। तो इन सब समुच्चयों के लिए ये वाला समुच्चय R क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो आप प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का यूनियन कराओगे किसके साथ में, R के साथ में, तो वापस क्या आएगा, R ही आएगा। आगे बात समझ में क्लियर है। होल नंबर का कराओगे आर के साथ में तो वापस क्या आएगा, आर ही आएगा। आर ही ने बात समझ में ये सारी चीज़ें। और जैसे आपसे कह दें कि ये है आपकी ए परिमेय संख्या, टी क्या है, ए परिमेय संख्या, तो आपको पता है ए परिमेय और परिमेय मिलके क्या बनाती है, वास्तविक संख्या ही बनाती है। यानी कि यदि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का समुच्चय और ए परिमेय संख्या का समुच्चय, यानी कि जो परिमेय संख्या है और ए परिमेय संख्या है, इन दोनों का जब आप यूनियन कराओगे, तो यूनियन कराओगे तो एक ऐसा समुच्चय आएगा जिसमें परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। और आपको पता है परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनाते हैं, वास्तविक। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संघ यानी यूनियन समुच्चय, ये वापस क्या आता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आता है। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्याएं बनाती है। आगे बात, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संघ होगा, तो परिमेय यूनियन अपरिमेय यानी कि इनका संघ समुच्चय क्या आएगा, R यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आएगा। आगे बात सुने, तो ये सिंपली इस प्रकार से आपको समझना है, क्लियर है। तो ये है आपका समुच्चयों का संघ या सम्मिलन का टॉपिक। आपको ये पांचों गुणधर्म याद रखने हैं। किसी भी समुच्चय का फाई के साथ में यूनियन तो वापिस समुच्चय आएगा, इस नियम को क्या बोलते हैं, तत्समक नियम। आगे बात, और यहाँ पर जो फाई है वो यूनियन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कहलाता है। ए का बी के साथ में कराओ चाहे बी का ए के साथ में कराओ, कर्म विनिमय नियम। ए का ए के साथ में कराओगे तो वापस ए, वर्गसम नियम। तीन समुच्चय है तो अंतिम दो का पहले यूनियन करो और फिर उसका पहले के साथ में यूनियन कराओगे, या फिर पहले दो का यूनियन कराओ फिर उसका अंतिम के साथ में यूनियन कराओगे, दोनों चीज़ें क्या है, एक ही है, दोनों रिजल्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसको बोलते हैं साचर्य नियम। और ये जो समुच्चय ए है उसका आप सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में यूनियन कराओगे तो वापस सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। तो पांचों गुणधर्म आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक था अपना वो था दो समुच्चयों का संघ, यानी कि समुच्चयों पर संक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया दोनों समुच्चयों का संघ किस प्रकार से आपको करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे
कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।